नमस्कार साथियों, मैं हूं संतोष जावरिया और आप देख रहे हैं अनुपम एजुकेशन चैनल। हमारे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि क्लास टेंथ के मैथमेटिक्स के लिए हम चैप्टर वाइज एक स्पेशल सीरीज बता रहे हैं, जिसमें महत्वपूर्ण प्रश्न और ऑब्जेक्टिव्स बता रहे हैं। यहाँ पर मैं आपको ये भी क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जितनी भी थ्योरी स्टार्टिंग में ऑब्जेक्टिव बेस्ड है वो बेसिक थ्योरी है। यदि उसको आप समझ लेते हैं तो बाकी प्रश्नों को आप आसानी से हल कर सकते हैं। तो उस बेसिक थ्योरी पर आधारित हम ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे और साथ में उसकी थ्योरी भी समझ जाएंगे। लेकिन उससे पहले ज़रूरी है कि चैप्टर नंबर 15 जो कि प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी है, उसकी अंक योजना क्या है उसे हम समझ लेते हैं। इससे एक अंक का एक प्रश्न पूछा जाएगा और दो दो अंक के दो प्रश्न पूछ जाएंगे। इसके अतिरिक्त कोई प्रश्न नहीं पूछ जाएंगे। इस प्रकार से कुल 5 अंक के प्रश्न पूछ जाएंगे। तो आइए हम वन बाय वन बेसिक थ्योरी पर आधारित विकल्प को देख लेते हैं। पहला विकल्प हमारे सामने है, किसी घटना के घटित घटना की प्रायिकता पी है, तब पी नहीं मतलब पी घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकता क्या होगी, तो वो होगी 1-P। इसमें एक बेसिक थ्योरी है, किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता ये और घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकता ये, इन दोनों का योग सदैव क्या होता है, एक होता है। इसलिए ये बेसिक थ्योरी पर आधारित प्रश्न है जिसका आंसर हमने सी देखा था। एक घटना के घटित नहीं हो सकती तब घटना की प्रायिकता क्या होगी, घटना घटित नहीं हो सकती तो नहीं घटना घटित नहीं होने की प्रायिकता क्या होती, शून्य होती है। यदि कोई घटना घटित नहीं हो सकती तो उसकी प्रायिकता क्या होगी, शून्य होगी। इसी के क्रम में अगला प्रश्न है, 52 ताश के पत्तों की गड्डी में से एक पत्ते का चयन किया है, इस पत्ते के लाल रंग वाला पत्ता होने की प्रायिकता क्या होगी। तो देखिए, ताश में कुल 52 पत्ते होते हैं, इसमें से 26 लाल रंग के और 26 काले रंग के होते हैं, तो हमें लाल रंग के पत्ते निकालना है। तो वो कितने में से बावन में से निकालना है, तो कितने हो सकते हैं, 26 में से कोई सा भी पत्ता हो सकता है, क्योंकि पत्ता तो एक ही निकालना है, लेकिन 26 पत्तों में से कोई सा भी पत्ता हो सकता है लाल होने के लिए। तो ये प्रायिकता क्या होगी, 1/2। तो यह हमारा राइट आंसर कौन सा होगा, 1/2 ये आंसर होगा। अगले क्रम में हम चलते हैं, एक पासे को फेंकने पर उसका फलक 9 आने की प्रायिकता है। तो देखिए, पासे पर 1 से 6 तक लिखा होता है, 6 फलक होते हैं, उन पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 लिखा होता है। जब पासे को फेंका जाता है तो 9 तो किसी स्थिति में नहीं सकता, और स्थिति में नहीं सकता मतलब असंभव घटना है, मतलब घटना घटित नहीं हो सकती, और जब घटना घटित नहीं हो सकती उसकी प्रायिकता क्या होती है, शून्य होती है, यानी असंभव घटना की प्रायिकता शून्य होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 सिक्कों को एक साथ उछालने पर दोनों सिक्कों पर हेड आने की प्रायिकता क्या होगी। तो देखिए, 2 सिक्कों को उछालने पर 4 घटना घटित होती है, दोनों पर हेड आए, पहले पे हेड, दूसरे पर टेल, पहले पे टेल, दूसरे पे हेड, दोनों पर टेल हो, तो कुल कितनी है, 4 घटनाएं हैं। और 4 घटनाओं में से एकमात्र घटना ऐसी जिसमें हेड आता है दोनों पर, तो 1/4 इसकी प्रायिकता होगी। तो हमारा राइट आंसर कौन सा होगा, सी वाला होगा। उसका 6वां प्रश्न देखिए, एक सिक्के को उछाले जाने पर हेड और टेल एक साथ आने की प्रायिकता क्या होगी। तो देखिए, एक सिक्के को उछाला जाता है तो एक साथ हेड और टेल कभी नहीं आ सकता, मतलब घटना कैसी, असंभव और असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है, शून्य होती, इसलिए यहाँ पर आंसर क्या होगा, 0 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी असंभव घटना की प्रायिकता क्या होगी। तो असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है, शून्य होती है। अगला है, एक पासे को फेंकने पर सम अंक आने की प्रायिकता क्या होगी। तो देखिए, सम अंक आना और सम अंक आना वाले पासे पर 3 विषम अंक होते हैं और 3 सम अंक होते हैं, कुल कितने में से, 6 में से, और हमें सम की प्रायिकता निकालने के लिए 6 में से सम कितने हैं, 3, तो ये 3/6 यानी कि 1/2। और यदि विषम भी पूछा जाता तो उत्तर यही आता, तो हमारा ये आंसर, इसका आंसर क्या होगा, ए वाला आंसर होगा।
इसी के अगले क्रम में चलते हैं। एक चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता होगी जब एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है। तो देखिए, एक एक बार उछाला जाता है तो प्रायिकता क्या होगी, 1/2। किसी प्रयोग की वह घटना जिसका केवल एक ही परिणाम हो उसे होते हैं प्रारंभिक घटना। कौन सी घटना होते हैं? प्रारंभिक घटना कहा जाता है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं का योग कितना होता है? 1 होता है। चौथा है, घटना ई नहीं को निरूपित करने वाली घटना ई की पूरक घटना कहलाती है। कौन सी घटना कहलाती है? पूरक। उसके बाद में ई और ई बार परस्पर पूरक घटना है। कैसी घटना है? पूरक। ये घटना घटित होने को दर्शाती है तो ये उसी घटना को घटित नहीं होने को दर्शाती है। और ये वही वाली बात हो गई जो ऊपर वाले प्रश्न चौथे में कही गई थी। तो ये पूरक घटनाएं होती हैं। छठवां है, वह घटना जिसका घटित होना असंभव हो की प्रायिकता कहलाती है? शून्य होती है। क्या होती है? शून्य। उसके बाद में चलते हैं, एक घटना ई की प्रायिकता और घटना ई नहीं की प्रायिकता, मतलब किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता और घटित न होने की प्रायिकताओं का योग सदैव 1 होता है। इसी के क्रम में अगला प्रश्न हमारा जो आता है, उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती वो क्या होगी? शून्य। उस घटना की प्रायिकता जिसकी घटित होना निश्चित है, जिसका घटित होना निश्चित है उसकी प्रायिकता 1 होती है। किसी घटना की प्रायिकता से बड़ी या बराबर होती है। तो देखिए, प्रायिकता जो पी होती है वो क्या है? 0 से बड़ी या उसके बराबर, या फिर 1 से छोटी या उसके बराबर। तो यहाँ पूछा गया किसी घटना की प्रायिकता से बड़ी या बराबर होती है, तो बड़ी या बराबर, तो ये वाली बात कही जा रही है, वो 0 से बड़ी या उसके बराबर होती है। तो यहाँ क्या आएगा? 0 से बड़ी या बराबर होती है। अगला प्रश्न है, किसी घटना की प्रायिकता से छोटी या बराबर होती है, तो ये वाली बात कही जा रही है, वो एक, ये प्रायिकता होगी, ये 1 से छोटी या उसके बराबर होती है, तो यहाँ क्या? 1 आएगा। चलिए अगले क्रम में, इस तरह से इस चैप्टर से 2 अंक के भी कुछ प्रश्न इस तरह से पूछे जा सकते हैं, नहीं पूछे ही जाएंगे, 2-2 अंक के 2 प्रश्न पूछ जाएंगे। और बहुत सरल प्रश्न है, केवल आपको इसके लिए कुछ बेसिक बातें पता होना चाहिए। अब बेसिक बातें कौन कौन सी, जैसे सिक्के की बात करें तो उसमें कितनी घटना घटित हो सकती है? 2, और 2 है, और सबसे पासे पर कितना लिखा होता है? 1-6 तक लिखा होता है, 1-6 तक लिखा होता है। इसके अलावा ताश में पत्ते कितने होते हैं? 52 होते हैं। इक्के कितने होते हैं? 4 होते हैं। लाल रंग के पत्ते कितने होते हैं? 26 होते हैं। बादशाह कितने होते हैं? 4 होते हैं। गुलाम कितने होते हैं? 4 होते हैं। इसे छोटी मोटी बातें आपको पता होना चाहिए ताकि आप सवाल को हल कर सकें। ऐसे ही एक फार्मूला होता है ये प्रायिकता का, प्रायिकता अनुकूल परिणाम संख्या / कुल परिणाम संख्या। जैसे अनुकूल परिणाम, जैसे सिक्के उछालने पर अनुकूल परिणाम कितने हो सकते हैं? 2, 1 सिक्के उछालने पर। कुल परिणाम संख्या कितने हो सकते हैं? 2। और अनुकूल जो हम चाहते हैं कि हेड कितनी बार सकता है, टेल कितनी बार सकता है, वो अनुकूल परिणाम है। ये बातें आपको पता होने पर आप इस चैप्टर के प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। हमारे इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।